अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। फिर से मैं लाया हूँ इंडियन नेवी SSR-AA-MR का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट होते हैं मैथमेटिक्स के पहले प्रैक्टिस सेट के साथ। ए बी सी एच पी में है तो बोल रहा है कि ए बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए और सी बाई ए प्लस बी किस में होगा, ए पी जी पी एच पी या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। तो ए बी सी चूंकि ए पी में हमें ये गिवन एच पी में सवाल दिया हुआ है तो एच पी में है तो इसको ए पी में बनाने के लिए रिवर्स करेंगे तो 1/a, 1/b, 1/c ए पी में बनेगा। और हम अपने तरफ से ए प्लस बी प्लस सी सब में गुना कर रहे हैं तो यहाँ बनेगा ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई बी, ए प्लस बी प्लस सी बाई सी, तो ए चीज भी ए पी में होगा। अब हम कर क्या रहे हैं, ए से ए कैंसिल हुआ तो ए प्लस बी प्लस सी बाई ए, उसी तरह से यहाँ बी बी से बी कैंसिल होगा जो बचेगा लिखेंगे, यहाँ सी से सी कैंसिल होगा और ए प्लस बी बाई सी बचेगा तो ए भी ए पी में होगा। और सब में से एक अगर घटाएंगे तो यहाँ बनेगा बी प्लस सी बाई ए प्लस सी बाई बी, ए प्लस बी बाई सी, ए भी ए पी में होगा। लेकिन हमको से सवाल पूछ रहा था कि ए बाई बी प्लस सी किस में होगा तो इसको रिवर्स करेंगे, तो इसको जैसे ही रिवर्स करेंगे तो इसको जैसे ही रिवर्स करेंगे तो वो बनेगा एच पी में, मतलब कि ये जो ए बाई बी प्लस सी, बी बाई ए प्लस सी, सी बाई ए प्लस बी, वो होगा एच पी में हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो राइट आंसर इसका बनेगा एच पी। बोल रहा है कि जीरो थीटा जो है जीरो से बड़ा है और पाई बाई टू से छोटा है तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू क्या होगा। हम लोग जानते हैं ए पी जी पी एच पी में कि अर्थमेटिक मीन का जो वैल्यू होता है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या बराबर होता है। यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे टेन थीटा और कोट थीटा में लगाना चाहें तो अर्थमेटिक मीन का जो वैल्यू होता है वो किनारे वाले टर्म्स का प्लस और उसका आधा होता है। तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन टू और इसका होता है दोनों का मल्टीपल तो रूट अंडर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, जिसका वैल्यू होता है वन, टेन इंटू कॉट का वैल्यू होता है वन और वन का वर्गमूल भी वन होगा, इसलिए ये टू जो है इधर मल्टीपल में जाएगा तो यहाँ वैल्यू होगा टेन प्लस कॉट थीटा का मान जो होगा दो से बड़ा और बराबर होगा। तो यहाँ बोल रहा था सवाल कि अगर थीटा का वैल्यू जीरो से बड़ा है और पाई बाई टू से छोटा है तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर दो, दो से बड़ा होगा। नेक्स्ट बोल रहा है जेड का वैल्यू दिया हुआ है टू प्लस थ्री आयोटा का स्क्वायर और थ्री माइनस फोर आयोटा का क्यू, तो हमें मॉडुलस ऑफ जेड चाहिए यानी कि जेड का मॉडुलस बताना है कि क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। जेड का वैल्यू जो दिया है तो हम लोग मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ये चूंकि पहले से स्क्वायर दिया है तो हम लोग अपने से उसका होल स्क्वायर करा दिए। उसी तरह से यहाँ क्यू है तो यहाँ पे क्यू कर देंगे, लेकिन इसका मॉडुलस जो निकालेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब तीन का स्क्वायर और माइनस चार का स्क्वायर लिखे या चार का स्क्वायर लिखे बात बराबर है, तो इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1625 जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आर्गुमेंट ऑफ जीरो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जीरो का आर्गुमेंट जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में वो अनडिफाइंड होता है, तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा इसका करेक्ट। और नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स एक का सम का इक्वेशन दिया हुआ है मैट्रिक्स और एक उसका डिफरेंट यानी कि एक का माइनस में दिया है और हमसे पूछ रहा है एक्स का वैल्यू, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो चूंकि दो मैट्रिक्स दिया हुआ था, एक एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, एक एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया है, तो हम दोनों को जोड़ेंगे दोनों इक्वेशन को तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा तो यहाँ बनेगा टू एक्स, और यहाँ भी मैट्रिक्स का सम करेंगे तो यहाँ बनेगा सात तीन दस, जीरो 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 दो और पाँच तीन आठ। इस तरह से यहाँ x का वैल्यू अब जब निकालना है तो दो से डिवाइड करेंगे तो दो पच्चे दस, जीरो वन और फोर बनेगा, तो पाँच एक जीरो चार ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन नंबर वन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर वन सही है। नेक्स्ट बोल रहा है एन सी जीरो का वैल्यू क्या होगा, तो एन सी जीरो का वैल्यू ए प्रॉपर्टीज होता है कॉम्बिनेशन का, इसका वैल्यू वन होता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स का वैल्यू दिया है, बोल रहा है कि ए के पावर एक्स प्लस ए के पावर माइनस एक्स बाई टू है, तो ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है कि कौन सा फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ एफ एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ था हम एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख के सॉल्यूशन करते हैं क्योंकि यही चेक करने का तरीका है कि कौन सा फंक्शन है। तो एक्स की जगह पे जैसे ही माइनस एफ एक्स निकाले एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एक्स की जगह पे माइनस एक्स बना और माइनस एक्स जो बन जाएगा वो प्लस एक्स, तो यहाँ से पता चल रहा है कि एफ एक्स रखने पे और एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पे दोनों बराबर वैल्यू आ रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये इवन फंक्शन होता है।
अगर दोनों बराबर हो जाए तो इवन फंक्शन, अगर बराबर नहीं हो तो ऑड फंक्शन के बराबर हो। बोल रहा है कि लिमिट है x टेंस टू जीरो है 1 माइनस 1 बाई एन के पावर है 2n, तो ये बिल्कुल लिमिट का प्रॉपर्टीज है, इसका बिल्कुल फार्मूला ही होता है कि इसका वैल्यू होता है e के पावर माइनस टू, एक्सपोनेंशियल के पावर माइनस टू। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि लिमिट x टेंस टू जीरो रहेगा, और अगर इस फॉर्म का रहेगा 1 माइनस 1 बाई एन के पावर 2n, तो इसका आंसर होता है e के पावर माइनस टू। नेक्स्ट देखते हैं, लिमिट का क्वेश्चन है x टेंस टू जीरो है, टेन टू एक्स माइनस एक्स अपॉन थ्री एक्स माइनस साइन एक्स है, इसका सॉल्यूशन करना है। चलिए इसका दिखाते हैं आंसर। ये रहा लिमिट x टेंस टू जीरो, और टेन टू एक्स माइनस एक्स है और बट्टा में थ्री एक्स माइनस साइन एक्स है। हम क्या किए फार्मूला पे लाने के लिए, टेन एंगल में टू एक्स है तो टेन टू एक्स बट्टा टू एक्स किए, और टू एक्स से मल्टीपल डिवाइड किए, यहाँ भी साइन एक्स से मल्टीपल डिवाइड किए। ऐसा करने से इसका वैल्यू वन बन गया और इसका भी वैल्यू वन बन गया, क्योंकि फार्मूला होता है अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रहे तो टेन थीटा बट्टा थीटा चाहे साइन थीटा बट्टा थीटा का वैल्यू वन होता है। तो इस तरह से इसका वैल्यू 1 हुआ, और 1 को 2x से मल्टीपल करेंगे तो 2x बनेगा, और यहाँ बनेगा माइनस एक्स, यहाँ बनेगा 3x, और माइनस x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 3x में से x गया 2x, तो यहाँ बनेगा 2x में से x गया x और बटा में 2x, x x से कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू बनेगा 1 बाई टू। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर होगा 1 बाई टू। नेक्स्ट एक फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इनवर्स का, तो इनवर्स का फार्मूला होता है रूट अंडर वन बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ये बिल्कुल फार्मूला ही है, इसको याद ही करना पड़ेगा। तो इसको देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स का यहाँ माइनस होता है और कोस इनवर्स एक्स में ऊपर माइनस होता है, माइनस वन बटा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स वाई बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है तो हमें डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो ये तो डिफरेंशिएशन दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट में बनेगा यू इंटू वी पे तोड़ेंगे तो एक्स को बाहर करेंगे तो वाई का डिफरेंशिएशन, प्लस वाई को बाहर करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक्स क्यू का बनेगा थ्री एक्स स्क्वायर, और वाई क्यू का बनेगा थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ एक्स बनेगा और इधर से कॉमन करेंगे तो माइनस थ्री वाई स्क्वायर बनेगा, और यहाँ जो बनेगा थ्री एक्स स्क्वायर, और इस वाई को राइट साइड भेजेंगे तो माइनस वाई। इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस थ्री वाई स्क्वायर। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन होगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस थ्री वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा। ये बिल्कुल फार्मूला है कॉटेक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉटेक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, तो ये प्लस सी नहीं दिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ है लिमिट जीरो से पाई बाई टू है और रूट अंडर कोस एक्स है, अपॉन में है रूट अंडर कोस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो चलिए इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहला बात, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो इसको आई मान लिए हैं, आई बराबर ये इंटीग्रेशन है। उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर्टीज है कि जहाँ जीरो से लेके पाई बाई टू है तो एक्स की जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स रख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज होता है इंटीग्रेशन का। तो सब जगह x की जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स रखें, नीचे भी पाई बाई टू माइनस एक्स पाई बाई टू, फिर टेंथ के फार्मूले से कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन एक्स जानते हैं, साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे सबको चेंज कर दिए, और ये इक्वेशन नंबर वन और ये इक्वेशन नंबर टू, दोनों इक्वेशन को अब हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पे इधर बनेगा आई आई टू वाई, और इधर बनेगा चूंकि नीचे में सेम है तो ऊपर भी जोड़ ऐड में हो जाएगा, मतलब कि रूट अंडर साइन एक्स प्लस कोस एक्स रूट अंडर में वही हो जाएगा और नीचे भी वही रहेगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को एडिशन के बाद जो मिलेगा उसको दिखाते हैं। तो चलिए अब उसको दिखाते हैं जो दोनों को ऐड करने के बाद, देखिए फर्स्ट और सेकंड को दोनों को ऐड किए हैं तो टू आई मिला है, और ऊपर भी वही सेम चीज़ मिला है और नीचे भी सेम चीज़ मिला है, तो कट गया है एक मरतबा में, तो यहाँ बना है डी एक्स, और लिमिट तो है ही है जीरो से पाई बाई टू, तो यहाँ टू आई बराबर इधर से सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन एक्स बनेगा जीरो से पाई बाई टू, तो जीरो से पाई बाई टू का वैल्यू होगा पाई बाई टू, यहाँ पर रख देंगे, और आई का जो वैल्यू माने थे उसका वैल्यू दे देगा पाई बाई फोर। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के छोरों को नियामक 4 माइनस 2 है
और माइनस फोर टू है, तो उसका केंद्र का नियामक बोल रहा है कि एक बिल्कुल लाइन हम लोग सीखे हैं, लाइन है और एक कोऑर्डिनेट्स फोर माइनस टू है और दूसरा माइनस फोर टू है, तो दोनों के बीच में नियामक चाहिए केंद्र का, यानी कि मिडिल टर्म्स का यानी कि मध्य बिंदु का, मिड पॉइंट का, तो एक्स वन एक्स टू बटा टू और वाई वन वाई टू बटा टू, तो फोर में माइनस फोर जोड़ेंगे तो जीरो, जीरो में दो से भाग करेंगे तो जीरो, और माइनस टू और प्लस टू जीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो जीरो कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है, एक सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है और बोल रहा है कि उसका मूल बिंदु से गुजरता है, तब क्या समीकरण होगा। देखिए इक्वेशन दिया हुआ है सवाल में, सरल रेखा का 5x माइनस 6y प्लस 8y, और हमें बोल रहा है कि पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, 8 रहे, 10 रहे, 11 रहे, सब पैरेलल लाइंस ही होगा, तो इसके जगह पे k होगा। और बोल रहा है कि मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो x भी जीरो और y भी जीरो, तो जब x का वैल्यू जीरो रहेगा, y का वैल्यू जीरो रहेगा, तो k का भी वैल्यू तो जीरो निकल कर आएगा, तो k का वैल्यू जब जीरो निकल गया तो समीकरण क्या बना, 5x माइनस 6y बराबर जीरो, क्योंकि k का वैल्यू तो जीरो है, तो इसलिए इसका आंसर बना 5x माइनस 6y इक्वल टू जीरो। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 5x माइनस 6y इक्वल टू जीरो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है और हमें केंद्र का चाहिए, यानी कि सेंटर का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो दोस्त पिछले हम लोग प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो प्लीज़ अगर आप ऐसा क्वेश्चन को नहीं जानते हैं, नहीं सॉल्व करना जानते हैं, तो पीछे वाला प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए, एकदम हूबहू सवाल मिलेगा। पहले 2g निकालते हैं, 2f निकालते हैं और फिर माइनस एफ माइनस जी से इसका कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, तो एकदम सेम हूबहू सवाल इसका पहले सॉल्व किया हुआ है, तो प्लीज़ आप पीछे वाले वीडियोस को जरूर देखिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि केंद्र के साथ साथ त्रिज्या भी निकाले, तो हम लोग दोनों चीज़ें बताए हुए हैं, सेंटर कैसे निकालते हैं, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो प्लीज़ आप इसके वीडियो को पीछे वाले देख लीजिए अगर सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो। देन पीछे बहुत सारे वीडियोस में ऐसा सेम सवाल, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, तो आया हुआ भी है और प्रैक्टिस शॉट में भी डाला हुआ है, तो बिल्कुल इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। सेंटर और किसी भी सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, तो उससे सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं और उससे रेडियस कैसे निकालते हैं, तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सीखिए, पीछे वाले वीडियो में जरूर दिया गया है। नेक्स्ट बोल रहे हैं, ए और बी सेट में है, दो सेट दिया हुआ है और दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कौन कौन सा कॉमन है, तो पी क्यू आर एस इसमें है, 1 2 3 पी क्यू है, तो पी क्यू दोनों में है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, दोनों में पी क्यू कॉमन है। बोल रहा है दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, तो जी हाँ दो सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल इवेंट तो बन जाएंगे 4, क्योंकि दो सिक्के उछाल रहे हैं, तो हेड टेल, टेल टेल, हेड हेड या टेल टेल हो सकते हैं, तो टोटल इवेंट 4 होंगे और बोल रहा है कि दोनों पे शीर्ष आने का, हेड आने का प्रायिकता, तो दोनों पे हेड एक ही बार आएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ये सब तो देखते ही सवाल बन जाने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 95 नंबर, पी ए और पी बी का वैल्यू दिया है और ए यूनियन बी चाहिए, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी कब, जब परस्पर अपवर्ती है, देख लीजिए अगर अपवर्ती वाले केस में पी ए प्लस पी बी का सम होता है, बस याद रखिए कि अगर पी ए पी बी का वैल्यू दिया रहे, हमें यूनियन निकालना रहे और साथ में ये बोले कि अपवर्ती है, तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो 1/5 और 1/2 को जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे 10 बनेगा और ऊपर बनेगा 7, तो इसका आंसर 7/10 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला जानते हैं कि ये ए यूनियन बी का तभी जुड़ते हैं जब अपवर्ती का केस रहे, अपवर्ती का केस रहेगा तो सीधा जोड़ देना है, तो आंसर आएगा 7/10, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट में प्रॉपर्टीज है कि आई और जे का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है डॉट में, और कॉट थीटा माइनस टेन थीटा की किसके बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करके हम लोग सिंपल फॉर्म में आंसर करेंगे, तो चलिए कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और टेन थीटा को लिखेंगे साइन बाई कॉस में। अब दोनों में एलसीएम लेंगे तो बनेगा यहाँ साइन कॉस और यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे दो से मल्टीपल डिवाइडेबल किए हैं, ऐसा करने से यहाँ बनेगा 2 cos 2 थीटा, क्योंकि कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ जो नीचे बन रहा है वो साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि दो और से ऊपर नीचे अपने से भाग गुना कर दिए हैं, तो यहाँ 2 sin theta into cos theta sin 2 theta का फार्मूला बना, इसलिए cos theta बटा sin theta cot 2 theta हो जाएगा, और 2 तो 2 बाहर ही रहेगा, तो इसका आंसर बनेगा 2 cot 2 theta। तो ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन है, तो जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन है दूसरा नंबर ऑप्शन। और एक है फार्मूला बेस्ड है ट्रिगो का डबल एंगल फार्मूला cos 2a बराबर, इनमें से कौन सा सही आंसर है,
सबसे सही आंसर है 1 - tan² a / 1 + tan² a। तो ये फार्मूला बेस्ड है, तो आप बिल्कुल ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला को एक बार याद रखिए कि किसका फार्मूला क्या होता है। तो टेन कोस 2a का फार्मूला इन चारों में से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि टेन 360 का वैल्यू, तो जी हाँ बिल्कुल, आप इसको टेन 180 + 180 पर भी तोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे भी याद होगा टेन 360 का वैल्यू जीरो होता है, या फिर निकाल भी सकते हैं टेन a + b पे तोड़ के 180 में तोड़ के निकाल भी सकते हैं, और ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर सिंपल था, जीरो होगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं टेन इनवर्स टेन 3/4 का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसके लिए एक कंडीशन होता है कि टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स तभी लिखते हैं जब -π/2 से π/2 होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे होगा। देखिए टेन इनवर्स टेन 3/4 है, तो ये चूंकि है नहीं तो हम क्या किए π - π/4 किए, ताकि इसका भी वैल्यू इतना ही होगा। और टेन π - θ - tan θ होता है, टेन में -θ, और अब ये जो है -π/2 से π/2 के बीच में बन गया, तो इसका आंसर हम बाहर निकाल सकते हैं, -π/4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर होगा -π/4, जो कि ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है। तो इस तरह आज का कंप्लीट हुआ है 25 क्वेश्चन। आप इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।